सवाल ये है कि लता मंगेशकर किस तरह के शौक रखती थी। 110 करोड़ की संपत्ति लता मंगेशकर के पास था, लेकिन लता मंगेशकर की शौक काफ़ी अलग थे, काफ़ी महंगे शौक लता के थे। क्रिकेट देखना पसंद करने वाली लता मंगेशकर को अक्सर सचिन तेंदुलकर के साथ गुफ्तगु करते हुए आपने देखा होगा। प्लेबैक सिंगिंग के अलावा कुकिंग करना लता मंगेशकर बहुत पसंद करती थी। ओकेजनल म्यूजिक कंपोजर भी वो रही हैं, यानी कि म्यूजिक कंपोज करने के उनके शौक काफ़ी बड़े थे। ग्रेटेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा। अपनी छोटी बहनें उषा मंगेशकर, मीणा खादिकर और आशा भोसले को लता ने काफ़ी सीख दी, हृदयनाथ मंगेशकर को भी। लता 92 की उम्र में कोरोना और निमोनिया से पीड़ित होने की वजह से 28 दिन से वेंटिलेटर पर थी। आखिर में उनका निधन आज सुबह हुआ 8:10 पर। इसकी पुष्टि खुद से करते हुए नजर आए डॉक्टर प्रतीत समधानी। ऐसे में डॉक्टर प्रतीत समधानी ने जिस तरह से इस वक्त देखा जाए तो दुख जाहिर की है, और दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में है, ये बताते हुए कि लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं। लता मंगेशकर के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वो हमारे बीच से गुजर गई। लता मंगेशकर के शौक इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। लता मंगेशकर को क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक था। लता मंगेशकर इसके अलावा जो है अपने घर पर साज सजावट पर बहुत ज़्यादा, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से ध्यान देती थी। अपने घर पर उनका पूजा का मंदिर बहुत खूबसूरत था। किताबें पढ़ने के भी शौक लता मंगेशकर के बड़े थे। गुफ्तगु करना लता मंगेशकर को बहुत पसंद था। परिवार वालों के साथ मिलकर बातें करना, फंक्शंस में आना, ये सब लता बहुत इंजॉय करती थी। भक्ति के गाने गाने के शौक लता मंगेशकर के बहुत बड़े थे। मदन मोहन, नौशाद, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एआर रहमान, इन सब के साथ लता ने काम किया। 73 साल की करियर में उन्होंने 27,000 गाने बॉलीवुड और रीजनल फिल्म्स के लिए दिए। साल 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। अवार्ड्स उन्हें मिले, भारत रत्न और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला। इसके अलावा लता मंगेशकर के बारे में बात की जाए तो आप सबको शायद मालूम ना हो, लता मंगेशकर को हमेशा अपनी गायकी के लिए इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो अपनी गायकी को अपनी पहचान बना चुकी थी और अपनी दुनिया गायकी की तक सीमित रखती थी। तस्वीरें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। अपने ऊपर लिखे गए किताबों को पढ़ना भी वो बहुत पसंद करती थी। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।